जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ हमारे छोटे वाले भाई बहन बहुत ही ज्यादा टेंशन में है ओएमआर या फिर फॉर्म की गलती की वजह से कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं। एक भाई साहब तो ये भी बोल रहे थे कि सर जब हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा तो इंटरव्यू का आएगा, मतलब एकदम से निराश बैठे हैं। और कुछ चैनलों का नाम भी लेते हैं कि वहां पर बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या सही है, किन लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम गलती की, चाहे वो अपना नाम, पिता का नाम, डीओबी या फिर मार्कशीट में या फिर फोटो के बैकग्राउंड कलर को लेकर के अगर आपने मिस्टेक की है और आपका एडमिट कार्ड आया है और आप एग्जाम में अपीयर भी हुए हैं तो 100% आपका रिजल्ट भी आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर दिक्कत कहां होगी, मैं बता दूं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस पार्टिकुलर सेक्शन का हलफनामा जरूर बनवा लीजिएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आप उसको जो है छिपाइएगा नहीं, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो है ओएमआर में गलती की वजह से, तो हाँ कुछ गलतियां होती है जिनकी वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। देखिए अगर आपने कोई भी गलती की है ओएमआर में तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, बशर्ते वो गलती ये नहीं होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोग तो इतने स्वार्थी बसे हैं यूट्यूब पर कि बताते हैं बड़ी खुशखबरी, कटाव कम, ओएमआर में गलती की वजह से लोग होंगे बाहर, ये भी कोई खुशखबरी है। देखिए साथियों जो है ओएमआर चेक होने के लिए सबसे जरूरी होता है बुकलेट सेट एबीसीडी कौन सा है, क्योंकि आप समझिए कि ओएमआर पर तो कोई प्रश्न लिखा होता नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर एबीसीडी दे रहे हैं, ये पता चलता है बुकलेट सेट के हिसाब से कि आपका सेट कौन सा और आप किस सेट के अकॉर्डिंग ये आंसर कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी गलती की बात करें तो वो होता है रोल नंबर में, अनुक्रमांक में, अगर आपने वहां पे भी जो है मिस्टेक किया है तब भी वहां पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर जो है कोई भी गलती है बालक वर्ग, बालिका वर्ग, तो वहां पे जो है रिजेक्शन नहीं होगा, आपका रिजल्ट 100% आएगा। आप जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, निश्चिंत होकर के अपने इंटरव्यू या फिर अगर जो है टीजीटी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कई केस साथियों मैंने ऐसे भी देखा है कि आपने अगर जो है बुकलेट कोड भी नहीं डाला है लेकिन अगर वहां पे आपने जो है गोला किया है तब भी आपका रिजल्ट आ जाता है, ओएमआर चेक हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये सब क्या कहीं पे लिखा है, ये जानकारी मैं आपको जो है कैसे दे रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कई सारे ऐसे अनुभवी लोगों से बात की है कि ओएमआर ऑटो चेक का प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से ओएमआर जो है ये चेक की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दें लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।